रहमान रहीम। बच्चों हमने DAE की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक ही एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, बच्चों हमने चार क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट के अंदर क्वेश्चन को क्या करना है, तब्दील करवाना है। बच्चों ये सवाल हमारा सम के अंदर है, इसको हमने प्रोडक्ट के अंदर लेके जाना है। तो बच्चों यहाँ से हम कोई भी रूल में, कोई इनमें से कोई रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस जोज को हम किसके साथ करेंगे, टेबल के साथ, थ्रू टेबल के साथ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने इनपुट टेबल बनाना होता है, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, ए है, बी है और सी है। तो ये 2 की पावर आ गई 3, कितने वेरिएबल है इसके अंदर, ए बी और सी। तो ये 2 की पावर 3 लिखेंगे तो कितने खाने बनेंगे हमारे पास, 8। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो बच्चों हमने क्या बनाने हैं, सबसे पहले इनपुट टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनपुट टेबल बना लेंगे इसका। तो बच्चों ये मेरे पास, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर है सी, और ये मेरे पास है इनपुट टेबल है मेरे पास। तो मैंने कितने खाने बनाने हैं, 8 खाने बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये आ गया 6, और ये आ गया 7, और इसी तरह हमारे पास ये कितना हो गया, 8 खाने बना दिए हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों हमने इस जोज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, आपने जोज नंबर 1 और जोज नंबर 2 आपने ये टेबल के साथ करने हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट टेबल बनाना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, ए है और बी है और सी है इसके अंदर। तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3, तो कितने खाने बनेंगे, 8 खाने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8, ए के भी 8 खाने बना दिए, बी के भी 8 बना दिए, सी के भी 8 खाने बना दिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवानी है, इनपुट टेबल बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1। जब नेक्स्ट इस तरफ जाएंगे तो 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1। नेक्स्ट जाएंगे तो हम 4, 0 कर देंगे और 4, 1। तो बच्चों ये क्या बन गया, मेरे पास पहले इनपुट टेबल बन गया। कैसे बनाएंगे, कितने वेरिएबल थे, ए बी सी, 2 की पावर 3 कर दिया तो 8, 8 खाने बनेंगे इसके। तो बच्चों यहाँ पर हम ए लिख देंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 8 खाने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से स्टार्ट लेना, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1। नेक्स्ट जाएंगे 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1। नेक्स्ट जाएंगे 4, 0, 4, 1। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट ले लेंगे, ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों कंप्लीमेंट ये 0 है ना, तो ये कंप्लीमेंट 1 कर देगा, ये 0 है तो कंप्लीमेंट 1 कर देगा, ये 0 है तो कंप्लीमेंट 1 कर देगा, ये 0 है तो कंप्लीमेंट 1 कर देगा, ये 1 है तो कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ए का कंप्लीमेंट 0 कर देगा, ये 1 है तो ए का कंप्लीमेंट 0 कर देगा, ये 1 है तो ए का कंप्लीमेंट 0 कर देगा। तो मैंने क्या निकाल लिया, ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों इसके बाद मैंने क्या करवाना है, ए के कंप्लीमेंट को बी के साथ जमा करवाना है मैंने। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ए का कंप्लीमेंट को हमने ज़र्ब करवाना है बी के साथ। ये मेरे पास बी है और ये ए का कंप्लीमेंट है, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवाना है। 0 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, और 0 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। बच्चों हमने आउटपुट निकालनी है इसकी, ए के कंप्लीमेंट को बी के साथ ज़र्ब करवाना है।
ये बी है, ये ए का कंप्लीमेंट, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे, जीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, फिर जीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे तो वन नहीं लिखना होता, टू नहीं लिखेंगे बल्कि वन। इसी तरह फिर वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे वन, जीरो को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, जीरो को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, जीरो को जीरो के साथ ज़रब करवा वन को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, वन को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो। तो ये मैंने निकाल लिया ए के कम्प्लीमेंट को बी के साथ मैंने क्या करवा दिया ज़रब, ये मेरे पास बी है और ये ए का कम्प्लीमेंट है, इसके आपस में ज़रब करवा देंगे। इसके बाद बच्चों हमने ए के कम्प्लीमेंट को किसके साथ ज़रब करवाना है, सी के साथ, ये मेरे पास सी है और ये वाला ए कम्प्लीमेंट है, इसको आपस में हमने क्या करवाना है ज़रब, जीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे वन, जीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे तो ज़ीरो, वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे वन, जीरो को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, और फिर वन को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, जीरो को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो, जीरो को वन वन को जीरो के साथ ज़रब करवाएंगे जीरो। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करवा देना है, यानी हमारे पास ए को प्लस करवाना है किसके साथ, ए का कम्प्लीमेंट इनटू बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट इनटू सी। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इन ये दो वैल्यू और ए के साथ मैंने क्या करवाना है जमा, ए के साथ। तो बच्चों मेरे पास इन तीनों वैल्यू को मैंने क्या करवाना है जमा, तो बच्चों ये मेरे पास ज़ीरो में प्लस करेंगे ज़ीरो, प्लस करेंगे ज़ीरो तो आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो, इसी तरह ज़ीरो में प्लस करवाएंगे ज़ीरो, प्लस करवाएंगे वन तो वन आ जाएगा, इसी तरह ज़ीरो को प्लस करवाएंगे वन के साथ, फिर प्लस कराएंगे ज़ीरो के साथ तो वन आ जाएगा, इसी तरह फिर ज़ीरो को वन के साथ जमा करवाएंगे, इस वन के साथ जमा करवाएंगे तो वन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस वन भी वन के बराबर होता है, इसके अंदर वन प्लस वन भी वन के बराबर है और ज़ीरो प्लस वन भी वन के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारे पास वन आ गया, इसी तरह वन को इन दो ज़ीरो में जमा करवाएंगे तो वन, इस वन फिर यहाँ पर वन आ गया, इस वन को इन दो ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे वन, इस वन को दो ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे तो वन आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर वन। इसी तरह बच्चों जोज नंबर टू करेंगे, तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर टू है और जोज नंबर टू के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव का जोज नंबर टू है बच्चों, बुक के ऊपर प्रिंटिंग गलत हुई हुई है इसकी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा जोज नंबर टू इस तरह, हमारे पास ए बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, ऊपर सारे होल का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी का ए ए सी का कम्प्लीमेंट इनटू बी प्लस बी है हमारे पास। तो बच्चों ये हमें जोज नंबर टू दे दिया, बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिखी हुई इसने। तो बच्चों ये इस तरह इसको भी किसके साथ करेंगे, ट्रुथ टेबल के साथ। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, पहले सी का कम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे पहले सी का कम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि सी का कम्प्लीमेंट है इसके ऊपर, पहले सी का कम्प्लीमेंट ले लेंगे, सी का कम्प्लीमेंट लेंगे हम। ये इसके अंदर कितने वेरिएबल है, ए है बी है और सी है, यानी टू की पावर थ्री, आठ टेबल बनेंगे, यही टेबल बनेगा हमारा। तो बच्चों हम सी का कम्प्लीमेंट लेना है, ये ज़ीरो है तो ये वन हो गया, ये वन है तो ज़ीरो, ये ज़ीरो है तो वन कर देगा कम्प्लीमेंट, ये वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, ये वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, ये वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या ले लिया, सी का कम्प्लीमेंट ले लिया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले हम ए बी को आपस में क्या करवा देंगे, ज़रब। ए बी को हम ज़रब करवा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए बी को आपस में ज़रब करवा देंगे। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो के ज़ीरो के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो को वन को ज़ीरो के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो वन को ज़ीरो के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे, वन वन को वन के साथ ज़रब करवाएंगे, वन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने क्या लेना है, इसके बाद हमने ए प्लस बी को हमने प्लस करवाना है सी कम्प्लीमेंट के साथ। इन दोनों को हमने जमा करवाना है। वन में ज़ीरो जमा करेंगे, वन ज़ीरो में ज़ीरो जमा करेंगे, ज़ीरो वन में ज़ीरो जमा करेंगे, वन ज़ीरो में ज़ीरो जमा करेंगे, ज़ीरो वन में ज़ीरो जमा करेंगे, वन ज़ीरो में ज़ीरो जमा करेंगे, ज़ीरो वन में वन जमा करेंगे, वन ज़ीरो में वन जमा करेंगे तो वन आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लेना है, कम्प्लीमेंट भी लेना है इसी का। इसी का हमने क्या ले लेना है, कंप्लीमेंट। तो बच्चों हमारे पास ए बी प्लस सी का कंप्लीमेंट ऊपर होल का कंप्लीमेंट, इस वैल्यू का हमने कंप्लीमेंट लेना है। ये वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो वन हो, ये वन है तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है तो वन हो गया, ये वन है तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है तो वन हो गया, ये वन है तो ज़ीरो हो गया, ये वन है तो ज़ीरो हो गया। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, ए बी को सी के कंप्लीमेंट के साथ हमने ज़रब करवानी है। किसके साथ, ए सी का कंप्लीमेंट इनटू बी। तो बच्चों ये मेरे पास ए बी है और इस सी के कंप्लीमेंट के साथ हमने ज़रब करवानी है। तो ये ज़ीरो ज़रबे ज़ीरो को वन के साथ ज़रब करवाएंगे, ज़ीरो फिर इन ज़ीरो को इस वन के साथ ज़रब करवाएंगे, इस ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो, फिर इस इन ज़ीरो ज़ीरो को वन के साथ ज़रब करेंगे, ज़ीरो फिर इस वन के साथ ज़रब करवाएंगे तो ज़ीरो आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फिर ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ज़रबे वन ज़रबे ज़ीरो तो ज़ीरो आ गया। इसी तरह हमारे पास वन ज़रबे ज़ीरो ज़रबे वन तो ये भी ज़ीरो आ गया। इसी तरह हमारे पास वन ज़ीरो 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 आ गया और इसी तरह हमारे पास वन ज़रबे वन तो वन आ गया और इसी तरह वन ज़रबे वन ज़रबे ज़ीरो तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो बच्चे मैंने क्या किया, इन तीनों ए बी और सी के कंप्लीमेंट के साथ मैंने क्या करवा दिया, ए बी को मैंने सी के कंप्लीमेंट के साथ ज़रब करवा दिया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को मैंने क्या करवा देना है, जमा। तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, बी के साथ मैंने करवाना है। तो बच्चों मैंने क्या करवाना है, ए बी प्लस सी का कंप्लीमेंट ऊपर होल का कंप्लीमेंट प्लस ए सी का कंप्लीमेंट बी प्लस बी के साथ। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस बी के साथ हम क्या करवाएंगे, जमा। तो बच्चों ये ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो और वन के इस ज़ीरो को ना वन और ज़ीरो में जमा करवाएंगे तो वन आ जाएगा। फिर वन को इन दोनों ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे तो वन आ जाएगा। फिर इस वन को इस वन में जमा करवाएंगे वन, फिर ज़ीरो जमा करवाएंगे वन और इसी तरह फिर इस ज़ीरो को इन दोनों ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे इस ज़ीरो को इन दोनों ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह फिर इस ज़ीरो को वन और ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे तो वन आ जाएगा। इसी तरह वन को इस ज़ीरो और इस वन के साथ जमा करवाएंगे वन, फिर इस वन को और इन दो ज़ीरो के साथ जमा करवाएंगे तो वन आ जाएगा। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर टू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया ना, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का जोज नंबर वन और टू आपने इसी तरह करना है। तो बच्चों अब करेंगे हम जोज नंबर इसका थ्री।
अच्छा, हमारे पास जोज नंबर थ्री है और जोज नंबर थ्री के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी का कंप्लीमेंट। बच्चों ये सम के अंदर है, ये जोज किसके अंदर है, सम के अंदर। हमने इसको लेके जाना है प्रोडक्ट के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, ए बी। तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस सी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, ए सी का कंप्लीमेंट। मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, ए बी मैंने, तो वन प्लस सी आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है वन प्लस सी किसके बराबर होता है, वन प्लस सी हमारा वन के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया ए बी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, ये मेरे पास ए बी इसी तरह आ गया, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, ए सी का कंप्लीमेंट कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। ए सी का कंप्लीमेंट कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, बी का कंप्लीमेंट प्लस वन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बी का कंप्लीमेंट प्लस वन किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन। तो हमारे पास ए बी प्लस ए सी का कंप्लीमेंट आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए। तो हमारे पास बचेगा बी प्लस सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर थ्री। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर फोर। बच्चों जोज नंबर फोर करेंगे, तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर फोर है, जोज नंबर फोर के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने ए बी दे दिया प्लस ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। बच्चों यहाँ पर रूल तो लगा नहीं सकते, इसको हम ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। बी और बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ए बी इसी तरह आ गया और यहाँ पर लिख दूँ ए का कंप्लीमेंट, कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये ज़ीरो ही है। तो इसी तरह मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर बी बी का कंप्लीमेंट और ये वाली वैल्यू ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट इसी तरह। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये दो फार्मूले ना मैंने इस वैल्यू के अंदर दर्ज करवा दिए, ए का कंप्लीमेंट ज़ीरो के बराबर है, ये मैंने वैल्यू दर्ज करवा, बी और बी का कंप्लीमेंट भी ज़ीरो के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दी ये दोनों की वैल्यू। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ए। तो हमारे पास बच गया बी प्लस ए का कंप्लीमेंट, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास बी का कंप्लीमेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास बी का कंप्लीमेंट। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी प्लस ए का कंप्लीमेंट। बच्चों ये अपनी तरफ से ना ये दोनों फार्मूले मिड में हम यहाँ पर दर्ज करवा देंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया बी और ए का कंप्लीमेंट। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, बी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी और ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दो एक रकम ये बन गई हमारे पास, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, बी प्लस ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये कॉमन ये वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बच गया ए, वो यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बच गया बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।